सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर चौक पर सीसीए एनआरपी एनआरसी के विरोध में एक जनसभा को संबोधित करने पूर्व सांसद पप्पू यादव आज सीतामढ़ी पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि ये उनकी 133वीं सभा है। उन्होंने भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि मोदी को ट्रंप से मोहब्बत है लेकिन भारत के नागरिकों से मोहब्बत नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार को तानाशाह की वाली सरकार बताई। उन्होंने मोदी को हिटलर और स्टालिन से भी ज्यादा खतरनाक बताया। सीतामढ़ी से आवाज 24 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। 2 महीने 10 दिन और ये 132वां सभा मेरी आज यहाँ 133वां सभा पूरे देश के जाने के बाद मैं यहाँ पर मिल्लत बाग नानपुर में मैं पहुंचा हूँ इस्लामपुर में। और आज 24 दुनिया का सबसे तानाशाह और हिटलर जो व्यक्ति यहाँ आज पहुंचे हैं, जिनके लिए पूरे गुजरात के दलितों के गांव के घरों को चुनार से चुनवा दिया गया, जैसे गुरु गोविंद के बच्चों के चुनार से चुना दिए गए थे, आज दलितों को मोदी की सरकार ने गुजरात में एहसास करा दिया कि हम वही हैं जिसके पास हॉस्टल में बच्चों को बचाने के लिए 1 रुपया नहीं था। और आज जो हमारी इंसानियत है, जो हम भीतर में हैं, कि हम दलित और गरीब कमजोरों की गंदगी और उसके शरीर से कितना नफरत करते हैं। ट्रंप के आने के बाद 1 मिनट में करोड़ों रुपया खर्च करने वाला मोदी भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संस्कृति पर जो आज पुनः चोट किया है, ये बता दिया कि ये लोग मनुवादी के पोषक हैं, ये भारत के लोग नहीं है, ये भारत की मोहब्बत नहीं करते हैं। मैंने कल भी कहा था, मेरे अंगने में ट्रंप का क्या काम है, मेरे अंगने में ट्रंप का क्या काम है, जिसके अंगने में गांधी और पटेल है, जिसके अंगने में गांधी और पटेल है, मेरे अंगने में हिटलर मोदी का क्या काम है, मेरे अंगने में जिसके अंगने में अंबेडकर और अब्दुल है, जिसके मेरे अंगने में अंबेडकर सुभाष है, मेरे अंगने में गुंडे जोगी का खाता है, लेके आया है। और ये हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, ये गए थे अमेरिका नाचने और आज हिटलर आ गए यहाँ नाचने। भारत की गरीबी से कोई मतलब नहीं चल रहा है। मैंने कई बार कहा, मोदी जी जितना पाकिस्तान 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 करते रहे हो ना, उतना यदि आप गीता और हनुमान चालीसा पढ़ लिए होते तो इंसान हो गए होते कम से कम इसमें जो। और हनुमान भाई हमारे जो हनुमान भगवान है या राम, इन्होंने कहा मोदी जी राम ने तो दुनिया की आवाज पर सीता की परीक्षा ले ली और तुमने आरएसएस के कहने पर पप्पू की माँ और बेटी का परीक्षा ले ली, तो कितना फर्क है। राम के कहने पर, दुनिया के कहने पर राम वनवास चले गए और इसने अमित शाह और जोगी के कहने पर पप्पू यादव के बाप और बेटों को वनवास में खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि चलो कबीरदास के उल्टे वाणी, तो तुम्हारा भी जानी तय है। और मंगल के दिन हनुमान ने कहा नफरत हारो और मोहब्बत जीता, और दिल्ली के लोगों ने भारत की मोहब्बत के सपने और उसके विश्वास को जिंदा रखा। और फिर मुझे लगता है मोदी जी अब आपका हनुमान और राम भी हम लोगों के साथ खड़ा है। कहा जहां इंसानियत नहीं वहां हनुमान और राम नहीं,
और अब तो ईवीएम ही आपको बचा सकता है, लगता वो भी आपको नहीं बचा पाएगा, वो रास्ता नहीं है। मैंने जामिया के पहले दिन और शाहीनबाग के पहले दिन मैंने इस लड़ाई को शुरुआत की थी, और जब ये लड़ाई शुरुआत की थी तो मैंने मोदी जी से कहा था, मोदी जी अपने मुंह से कोई वजीर इतना नफरत नहीं करता, अपने खून से कोई वजीर इतना नफरत नहीं करता, हिटलर और स्टालिन के इतिहास से भी खतरनाक इतिहास, जो अपने ही वतन को टुकड़ा करना चाहता हो उससे खतरनाक वजीर कोई हो नहीं सकता। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जिस देश का वजीर, जिस देश के राज के मुखिया, मंत्री, संतरी अपने देश में जाति का उन्माद पैदा कर दे, धर्म और मजहब का उन्माद पैदा कर दे, उस देश की मोहब्बत खत्म हो जाती है और नफरत पैदा हो जाता है और वो मुस्त मुस्त जाता है। इसीलिए हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि अपने संविधान से, अपने तहजीब से, अपने संस्कृति से, अपने वसुधैव कुटुंबकम से, सर्वधर्म संभव से इतना नफरत मत कर। आप तो मोदी 6 सालों के अंदर 5 चीज दिया इस देश को, नफरत, डर, भय, आतंक, 5 चीज दिया, नफरत, डर, भय, आतंक और अभाव, ये 5 चीज आपने इस मुल्क को दिया है। हमें बता दीजिए मोदी जी, इस 5 चीज के अलावे आपने क्या दिया? जेएनयू पर 18 बार हमला किया जो विचार और संवाद का सोर के लिए, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं है, अगला पिछड़ा नहीं है, वहां भारत के इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, भारत का अध्यात्म, भारत का नैसर्गिक दर्शन, भारत का मूल, भारत के आदर्श को दुनिया में संवाद का जगह है। आपने जेएनयू पर 18 बार हमला किया, आपको विचार और संवादों से नफरत, जिस जामिया में 42% हिंदू पढ़ते हो मोदी जी, जहां से भारत के निर्माण के बच्चों के बीच एक जीवन का दर्शन और आयाम लिखा जाता है, आपने तो याद दिला दी, जिस तरह कभी गांधी की आवाज में भारत के विचारों को गौर से आपके इशारे पर समाप्त किया था, जामिया में 3री रात पप्पू रो रहा था, ताला लगी थी, जनरल दायर से भी बुरी स्थिति थी, जालियांवाला बाग का इतिहास खतरनाक, उसको लाइन क्रॉस कर गया, 1400 फोर्स, बच्चे पढ़ रहे थे, ताला लगा के गोली, बच्चियां चिल्ला रही थी, 900 बच्चे अपने 1300 बच्चों को घेर के कह रहा था, तुझे मुझे गोली मार, कम मारना पप्पू अंकल, मुझे बचा लो, और पुलिस भुट्टे की तरह एक बच्चों को लाठियों की तरह रेंग के जाना, और सीआरपी के सामने मुंह ढक करके आरएसएस के गुंडों ने बच्चों पर गोली चलाया, याद दिला दिया, आज भी तुम गोरसे के ही विचारधारा पर जिंदा हो, दोबारा गोरसे पैदा करना चाहते हो, और ये इतिहास याद रखना मोदी, जिस बच्चों को भुट्टे की तरह तुमने, निर्दोष बच्चों को बंद कोठी में ताला लगा करके, आंसू गैस चला करके भुट्टे की तरह मारा हो, उस माँ की आग तेरे रूप को चला के राख कर देगी, तुम हमें कोई नहीं बचा पाएगा, माँ की आग बहुत खतरनाक होता है मोदी, याद रखिएगा, माँ के लिए सबसे ज्यादा गाली मोदी जी, उस के बच्चों को जब कोई नजायज कहता है तब वो गाली होती है, आपने तो पूरे भारत के बच्चों को नजायज कह दिया है मोदी जी, आपके मंत्री गोली मरवाते हैं, ये वो लोग हैं गोली मरवाने वाले लोग मोदी जी, जो शायद आपको नहीं पता, आजादी के 25 साल पहले आरएसएस का जन्म हुआ, जो भारत के झंडे से नफरत करता था, जलाता था, जो भारत के झंडे को अपने ऑफिस में नहीं लगाता था, इंग्लैंड की विक्टोरिया का स्वागत सबसे पहले उसी ने किया, और भारत की दलाली, अंग्रेजों की दलाली करके भारत को बांटने का काम वो अंग्रेज, जिसके लोगों ने कहा गोली मारो, मोदी जी एक बात याद रखना, भारत में हर लोगों को अधिकार है अपनी आवाज देने का, अपने विचार कहने का, अपना संवाद करने का, मोदी जी आप आवाज दो, आप यदि
बनारस में बोलो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे तो आप देशभक्त हो गए। और जामिया साहिबाग की औरत कहे हम अधिकार के लिए आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे तो देशद्रोही हो गए। बारे मोदी पप्पू बोले तो पाकिस्तान और तुम बोलो तो भारत। जय हो मोदी। इस देश के 67% लोग और जो लोग इस देश को बांटकर हिंदू सम्राट बनना चाहता हो वो राष्ट्रभक्त हो गया। जय हो मोदी जी। क्या इतिहास है। आपके एमपी कहते हैं साईं बाग बलात्कार का जगह है। परवेश वर्मा आप चुप हो जाते हो। आपके एक एमपी कहता है साईं बाग की औरतें मरती क्यों नहीं है तो आप कहते हो जोगी कहता है कि बिरयानी अरविंद केजरीवाल की रखा है इसलिए नहीं मरती। इतनी गंदी भावना अपने ही बच्चों से। आपको क्या पता मोदी जी बच्चे और बीवी का माँ और बेटी का बांध जाने पर सोती क्या। आप और जोगी को क्या पता मोहब्बत क्या होता है और औरत और बीवी और बेटी क्या होता है। भारत की संस्कृति नफरत पर नफरत साईं बाग पर हमला करो। ये जो हालात है ये जो परिस्थितियां हैं ये कैसे संभव है। मोदी जी हमेशा आप इसलिए नहीं आए थे। आप फुलमामा के इंक्वायरी नहीं कराए आप क्या करते थे। मैंने आपको उस दिन भी कहा नीतीश का डीएनए खराब हुआ था तो बिहारी ठीक कर दिया। आज पूरे भारत का डीएनए खराब कर रहे हो। याद रखना मोदी कुछ मत करो कोई कागज मत मांगो। आपने कहा एनआरसी नहीं होगा तो एनआरसी कानून क्यों लाए मोदी। इसीलिए लाए कि झारखंड और दिल्ली में हिंदू भी आकर हम चुनाव जीते हैं इसलिए एनआरसी का कानून बनाया गया। नीतीश कहता है एनआरसी लागू नहीं होगा। अरे नीतीश एनआरसी लागू नहीं होगा ये बात आसाम के पंद्रह के अभियोग। यदि देवेंद्र के जगह कोई मुसलमान होता तो आपको जो भी पूरा देश में कतलेआम करा दिया हो। क्यों जांच नहीं हुई। और मोदी जी ने कहा पुलवामा के बाद भुक्के मारे हैं तो पप्पू यादव का चैलेंज स्वीकार करिए मोदी जी। ट्रंप भी आया है दोनों आदमी अब बता दीजिए और सीधा बता दीजिए कि तुम भूख के मारे हो तो वो चार लाश दिखाओ या तो पप्पू राजनीति छोड़ देगा बच्चे की सौगंध या तो तुम राजनीति छोड़ दो। कहां पर तुम मामा में भूख के मारे हो वो लाश कहां पर है ये चैलेंज पप्पू यादव ने ट्वीट करके तब भी पूछा था। हमको सबने कहा पप्पू जी क्या कर रहे हो काहे पूछ रहे हो राजभक्ति जगी हुई है। मैंने कहा पप्पू के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। गलत है तो गलत है पुलवामा नहीं हुआ। पत्रकार जी शुरू हो गए अखलाक गाय गंगा गोरू छिपकली कब्रिस्तान शमशान ईद बकरी लिंगायत बोगलिंगायत जिन्ना जिग्नेश पट्टेदार अल्पेश के देश बनाने आए थे। ये गाय गंगा गोरू छिपकली करने नहीं आए थे। गाय खाता है। अरे मोदी जी ये गाय खाता है कि नहीं वो तो मुझे पता है दुनिया को पता है कि ये अपनी मिट्टी और तहजीब से कभी अलग नहीं गया। लेकिन तुम्हारे भाजपा के राज में हाथी और गाय सब चलता है तुम रोक नहीं पाए तुम्हारी औकात नहीं हुई।